मैं प्लेटफॉर्म 1 में हूँ, कोच पोजीशन 7। इट्स ओके, मैं वहाँ आऊंगी। आपने पार्किंग फीस फिर से इंक्रीज किया है, क्या है? अरे समझिए ना साहब, ऐसे रूल्स डालने के लिए कोई पॉलिसी नहीं है, ठीक है? हम एडवोकेट से ये सब कर लेंगे, ठीक है? ठीक है साहब। तुमने ऐसा क्यों किया? शाम को मैं आके तुम्हें पिकअप करूंगा, ऐसे मैंने बोला ना, फिर भी तुम अकेले चले आगे। मैंने कितने बार ट्राई किया था, हर बार ऐसे ही है। कोई इमरजेंसी है तो फोन नहीं उठा सकते। मैं ट्रेन मिस करने वाली थी, इसलिए ऑटो पकड़ कर यहाँ आई। वैसे भी तुम्हारी ट्रेन को आने में अभी भी टाइम है, खामखा मैंने घर तक गाड़ी चलाई। हर बात में तुम ऐसी हड़बड़ी करती हो, यही तुम्हारी प्रॉब्लम है। ओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे लास्ट मिनट अरेंजमेंट्स पसंद नहीं है जैसे तुम करते हो। होनो, मैं तो भूल ही गई, मेरा लगेज वहाँ प्लेटफॉर्म में पड़ा हुआ है। अच्छा किया तुमने, ज्यादा प्लान करते वक्त यही प्रॉब्लम है। जल्दी जाओ, चोरों को ज्यादा टेम्पटेशन मत देना, मैं प्लेटफॉर्म टिकट लेके आता हूँ। आप जो ये केस डालने से ट्रेन में जाने वाला सब पैसेंजर्स को तकलीफ दूर हो जाएंगे क्या? हमको ऐसा कुछ फीलिंग्स नहीं है सर, लेकिन आप एक बात समझना है सर, हमारा सेट में किसी भी ट्रेन चेक कीजिए, एक क्लीन टॉयलेट देखा है क्या? शायद वो एसी कंपार्टमेंट होगा। आप चेक करके बोलिए ना, इतना साल हुआ बुकिंग स्टार्ट करके, हमारा सेट में सेंट्रल रिजर्वेशन सिस्टम कितना काउंटर यूज कर रहे हैं? ठीक है, एक एक्सप्रेस ट्रेन त्रिपूर्ण तरह स्टॉप करेगा, लेकिन वो इरिंजालकोडा या चालकोडी स्टॉप नहीं करेगा। डोंट यू थिंक इट इज रेडिकुलस? जो बोल रहे सही है, लेकिन हम जैसे लोग ऐसा सोचने से दूसरा कौन आएगा ये समस्या को परिष्कार करने के लिए? आप लोग का प्रॉब्लम यही है सर, आपको अच्छी तरह मालूम है यहाँ का सिस्टम ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी आप रिएक्ट नहीं करेगा। आपको रिएक्ट करना पड़ेगा, जरूर रिएक्ट करना पड़ेगा। ऐसा करेगा तो हमारा रेलवे डिपार्टमेंट डेवलप होगा। ये अच्छी बात है, किधर हम साइन करना है? मैं दिखाएगा। यात्रीगण कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी नंबर 605। आपका नाम क्या बताया? सत्यनाथन। ओ, शायद मेरा गाड़ी आ गया सर, मैं जा रहा हूँ, थैंक यू। ठीक है। अरे वो सच्चा, सच्चा इधर देखो। हाँ आज दो आदमी को नहीं देखो ना यार, फाइनेंशियल क्राइसिस के बारे में बात करने को दो आदमी बार में बैठकर बात कर रहा है, समझ में आया क्या? तुम आ जाओ यार। ओ, इसीलिए जाफर हाफ एन आवर परमिशन रिक्वेस्ट करके आज ऑफिस से जल्दी गया। वो कल आएगा ना, मैं देखूंगा। शायद एलिपी एक्सप्रेस थोड़ा लेट होगा आज, आज मेरे लिए बैठने को सीट मिलेगा या नहीं? अच्छा ऐसा है, तो फिर तुम अंगमानी जाके ट्रेन में चढ़ो। ओहो, अरे गाड़ी निकल रही है, हटो 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 भाई, अरे मेरे गाड़ी निकलने वाला है, हटो। आओ आओ जल्दी आओ, आ जाओ आ जाओ, जल्दी आओ, पकड़ो पकड़ो, चढ़ो 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 अंदर। अरे भगवान, आप अगला गाड़ी में आओ ना, केयरफुल केयरफुल, अंदर आइए अंदर आइए। हमारा सर्कस है ना, ये हर रोज चलता है, आप चिंता मत करो चाचा। आपको मालूम है ना ऐसा रेल पकड़ने के लिए पनिशमेंट क्या है? तो क्या, फांसी पे तो नहीं चढ़ाएंगे? तुमने खामखा इतनी हड़बड़ी की, अभी तुम्हारी ट्रेन 40 मिनट लेट है। हे भगवान, मैं बस में जाऊं क्या? हंसो मत, अगर मैं वहां टाइम पे नहीं पहुंच जाती तो मुझे पता नहीं क्या होगा, मेरा एंटायर यूनिट वहां पर है। अभी तुम्हें टेंशन होने की कोई जरूरत नहीं है, अगर तुम्हारी किस्मत में आज कोटेम जाना है तो तुम वहां जाओगी, बस उतना ही है। ऐसा मत बोलो नंदन। मैं सीरियसली बता रहा था अनु, तुम्हें घर से पिकअप करने के लिए मैं ऑफिस से 4 बजे निकलने वाला था, तभी वो बंदा चाको हमारे ऑफिस में आया, उसके 4 आई विटनेसेस दूसरे तरफ चले गए। और फिर अब क्या होगा? अभी सिर्फ आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट ही हो पाएगा। मैं उसके साथ जाके वो बिल्डर से बात किया, उसके लिए एक अच्छा अमाउंट भी फिक्स किया, उसको कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा। उस बिल्डर के पास जब मैं बैठा था तब तुम कॉल कर रही थी, मैं कैसे उठाऊंगा फोन? मुझे पता नहीं था ना, सॉरी सॉरी। तुम सब कुछ खत्म करके घर आना। और एक बात, तुम वहाँ कॉल करके उसका सिचुएशन पता कर। ओहो, मैं तो भूल ही गई थी। कब तक वो वेट करेंगे पूछो? अगर ट्रेन लेट हुआ तो मैं कोटेम तक ड्राइव करता हूँ। ओह, ऐसा भी एक ऑप्शन है ना, थैंक गॉड। और नहीं तो क्या, हर बात के लिए सोल्यूशन है। मैं हूँ ना।
ये कार्ड कौन डाला था? क्यों, इसमें क्या प्रॉब्लम है? अरे मैं तुमको मार डालेगा। ये कार्ड्स में इतना इरेगुलर जोड़ी है ना, मेरा जिंदगी में अभी तक नहीं मिला। मैं नहीं खेलेगा। तुम्हारा क्या हुआ? देख रहे ना, फिर भी क्यों पूछ रहे? उसका क्या हुआ, हमको भी वही हुआ। अगर मुझे मारने के लिए कोई रेडी है तो मैं ये तंगपन और उन्नी को भी इनवाइट करने वाला हूँ। सच बोलूं तो मेरे भी पत्ते ठीक है। हाँ, आप चिंता मत करो और खेलो। भगवान मुझे जोकर मिले दो। हाँ भैया, दो चाय देना और शक्कर ज्यादा चाहिए। ये दोनों तो बड़े थके हुए हैं। देखो अब चाय तो जरूरत है साहब, अब तो कुनी हो जाएंगी ना, तब लेके आना चाय। समझ गए क्या? चले जाओ। ठीक है साहब। ये जोकर किधर गया भाई, मुझे नहीं मिल रहा है। जोकर तो इधर ही है ना। पेट्रोल तो बहुत कम है सेंट्रल मिनिस्टर, उसे हमें क्या फायदा? चावल सब्जी कुछ भी कम होने वाला नहीं, हमेशा गरीब आदमी तकलीफ उठाना पड़ेगा। उसी समय द्वारे का रेट भी कम हो गया करके सुनाओ, हम बहुत खुश होंगे। हाँ हाँ, वो सही है। जब ए के एंटनी सर चीफ मिनिस्टर थे और तब उन्होंने लिकर का प्राइस इंक्रीज किया, तब लोगों ने क्या क्या बोला था। जब लेफ्टिस्ट आए थे उन्होंने कुछ किया क्या? अरे उन्नी मेरे भाई, हमारे कोई भी गवर्नमेंट हम लोगों के प्रॉब्लम्स को समझ ही नहीं पाएगी यार। गुरुजी बोला है शराब पिएगा तो जिंदगी खराब हो जाएगा, वो तो हमारे मिनिस्टर्स को पसंद हो गया। हाँ। लेकिन बेवरेजेस कंपनी के साथ यही मंत्रियों शराब बिजनेस करेगा और धनवान हो जाएगा। झूठ नहीं बोलना है, कॉर्पोरेशन है ना, वो तो सैलरी अच्छी दे रहे। शराब पी के मर रहे तो गवर्नमेंट क्या करेंगे? बार में एक आदमी को जो आदमी बोल रहे है गांधी जयंती आ रहा है ना, इसलिए स्टॉक अच्छी तरह रख लो का तो बोल रहे। वो गांधी के बारे में नहीं जानता होगा। गांधी जयंती हमको भी नहीं मालूम है भाई, फिर भी ये इंडिया है भाई। धनलक्ष्मी जिंदगी को बर्बाद कर दिया का तो जो न्यूज आ रहे है वो तो सही है ना? उसके बारे में तो हमको नहीं पता है भाई, लेकिन वो सच भी हो सकता है। ये कैसा आदमी है? हम वो आदमी को ट्रेन में बहुत बार देखा है भाई। भोपाल गैस लीक हुआ ना, वो केस में ये आदमी शामिल है भाई। सनमाइन, उसका क्या पंगा है? शराब पी रहे तुम्हारे जैसे आदमी को क्या पता जाएंगे? पटा में की एनर्जी है ना जो सैंड, वही हमारे बीच में भी है। उसका परमिट गवर्नमेंट ने प्राइवेट कंपनी को दे दिया। प्राइवेट कंपनी सैंड निकाल के उधर कुछ भी नहीं रहेंगे। हम जीत गए, हम जीत गए। फुल काउंट है या हाफ काउंट? अगर सच बोलूं मेरा भी लाइफ एंडिंग। इसका मतलब आपके पास लाइफ नहीं है? हाँ, मेरे कार्ड से आपका लाइफ बनाया। सेकंड लाइफ किधर? जाफर भाई साउली को फुल काउंट डाल दिया क्या? गाड़ी चालू होके आधा घंटा हुआ ना, और एक आधा घंटे के बाद ये उड़ जाएगा। कंप्यूटर में जो प्रोग्राम करेंगे ना ऐसा है क्या? उसका यही आदत है भाई। ये तो 20 साल से हम देख रहे हैं ना। अरे क्या भाई, आपने भी, हम इतना बात कर रहे हैं आप तो चुपचाप बैठे हैं, देखो ना। मुझे अच्छा लगा कि तुम आए नंदन। शादी के बाद पहली बार जा रही हो ना? एक अच्छी सी बात के लिए है ना, अभी इसके बाद कोई चैलेंजिंग असाइनमेंट नहीं मिलेगा तुम्हें। कल हमें मंदिर जाना था ना, वो भी नहीं हो पाया। वो ठीक है ना, मैं तुम्हारी बात ईश्वर को बता दूंगा। ठीक है। पहुंचने के बाद फोन करूंगा। कोई बात नहीं, इंटरव्यू के बाद मैं कॉल करता हूँ, अच्छे से करना। ठीक है? ठीक है, बाय बाय। ठीक है वर्गीस, कल मिलेगा। हाँ हाँ भैया, कल हम तो जरूर मिलेंगे। आप तो जाइए ना, हमारा फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर है ना, वो तो अभी तक नहीं मिला है। कोई दिक्कत नहीं, मुझे वो पैसा बच गया। हमारे सेतुलक्ष्मी टीचर है ना, उसका रिंगटोन हमारे फोन को लगा देना। इसका फोन देखने से वो मर जाएगी बेचारी। आज मंदिर में क्या प्रोग्राम है भाई? कथकली। अभी तो कलाकार उधर होगा, आप भी आ रहे हैं ना देखने के लिए? कथकली है ना, टाइम मिला तो देखेंगे। आज क्रिकेट मैच है ना, इस साल मंदिर में पूजा जबरदस्त चलेगी। ऐसा क्यों? मैं खुद ही इसे ऑर्गेनाइज किया। अरे इनोवेशन में क्या यूज होगा यार, आप लोगों को सिर्फ क्रिकेट मैच और सीरियल देखने के इंटरेस्ट है। अंकल देखिए। अरे क्या रे, इतना रात होगा अभी भी खेल रहे क्या? लास्ट ओवर डैडी, अभी खत्म होगा। तुम इसको समझना पड़ेगा ना, एग्जाम्स आ रहे हैं ना अभी। छोड़ दो, उन्हें खेलने दो ना।
वो अपने एग्जाम्स में अच्छा करेगा। परसों सब जूनियर सिलेक्शन चलेगा, ये बच्चे कह रहे थे कि अप्पू को चांस है। तुम एक स्कूल टीचर हो, तुम ऐसा बात कर रहे हैं। लेकिन इसमें आपको प्रॉब्लम क्यों लग रहा है? अरे आजकल के जमाने में पढ़ने का फायदा ही क्या है? ऐसे बच्चे जिनमें एक्स्ट्रा करिकुलर टैलेंट होते, अगर वो रिस्क लेना चाहते तो उनका फायदा होगा। पर हम क्या कर सकते हैं? इन बच्चों को आप जैसा बाप मिला। ठीक है मैडम, आप बोलिए, मैं क्या करना है? आप उसके साथ टीम सिलेक्शन के लिए त्रिशूर क्यों नहीं जाते? क्या बात है, आप जा सकते हैं? मैं उसके साथ जाना है। तुम मजाक कर रहे हैं क्या? मंदिर का उत्सव आ रहा है ना? हाँ, आपके बच्चों के भविष्य से ज्यादा आपके उत्सव ही है। मैं उसे लेके चली जाऊंगी। क्यों, उसमें भी आपको दिक्कत है? हमको क्या दिक्कत है, हम खुश हो गए, आप जाइए। हमारा देश में मजदूरों के लिए बहुत ज्यादा काम हमारा मंत्री देश के रक्षा के लिए रखते हैं। अरे तुम सिर्फ पढ़ने के लिए ब्राउज कर रहे हैं ना? और नहीं तो क्या। माता जी, आज कितना SMS भेज दिया है? क्या हो गया, आज बहुत जल्दी आ गया। अगर चाय की पत्ती और इमली लेके आने को बताया। अरे बाप रे, मैं भूल गया माता जी, कल ऑफिस से स्टार्ट करने से पहले आप एक कॉल करके रिमाइंड कीजिए। हे भगवान, ये तो कुछ भी नहीं करता है। अरे हमको अगला हफ्ते से पहले सब ठीक हो जाएगा, मैं थोड़ा फ्रेश अप करके आएगा। सुनो, ये टाइप करके देना। हो दादी, मैं तो पढ़ रही हूँ ना। कितने बार आप SMS करते रहते हैं? ये तो स्पेशल राइट हैंड टच है दादी, 6 rupees पर SMS। हाँ, मुझे सब कुछ पता है। उत्सुक बच्चों के लिए ये सब अच्छा होता है, हमारे लिए कुछ भी नहीं है ना। हाँ गायत्री, आज तुम भी आ रहे हैं क्या कथकली देखने के लिए? आज का कथा है संतान गोपालन के बारे में। हाँ हाँ, आपको तो आपके बेटे के भविष्य की परवाह नहीं, लेकिन आपको संतान गोपालन जरूर देखना है। ठीक है, बोलिए हमारा बच्चों के प्रॉब्लम क्या है? उसमें कोई गलत नहीं है, आपकी बेटी बढ़ रही है, वो याद रख लीजिए। तूने क्या सोचा भाई, बच्चा ऐसा ही होगा, नन्ना मुन्ना है क्या? वो अच्छी तरह पढ़ना है, हम उसको अच्छा एजुकेशन दे दूंगा और उसको अच्छा कल्चर हम सीखना पड़ेगा, सिर्फ वही माता पिता का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप ऐसे क्यों जी रहे हैं? पिछले 20 साल से आप वही एक कंपनी में काम कर रहे हैं, काम के लिए वही ट्रेन लेते हैं, वापस आते हैं, सो जाते हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं, आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले। क्या बोले, मैं क्या चेंजेस करना पड़ेगा? कुछ नहीं, खाना खा सकते हैं? नहीं नहीं, मैं आज मंदिर से खाऊंगा। मुझे पता है आप वहाँ पे क्या खाएंगे, एक बार उत्सव बंद हो जाएगा तो नहीं चाहिए, समझ गए? जरूर जाने मन। अभी इसके बाद कोई प्रोग्राम नहीं है, टीवी पे अभी अनु का प्रोग्राम आने वाला है, मिनिस्टर थॉमस चाको के साथ अनु का इंटरव्यू है, तुम देख के बताना। इस सरकार के एक उत्तरदायी मंत्रालय का देखभाल करने वाला मंत्री हूँ मैं, और उसी के कारण मुझे हर दिन बहुत लोगों से मिलना पड़ता है और मेरे पास बहुत शिकायतें भी आती हैं। शायद मेरी मुलाकात उनसे कभी हुई होगी, पर इस बात को सेक्सुअल हैरेसमेंट कैसे बोल सकते हैं? यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। आपने पहले बोला था कि आप इस लड़की को जानती नहीं है, अभी आप बोल रहे हैं कि आपने मिला है उससे। ऐसे बात करने में से बहुत कंफ्यूजन होता है। मेरी मीडिया से एक ही दरख्वास्त है कि ऐसे इश्यूज थोड़े ठीक से हैंडल करें। इस देश में कोई भी इंसान किसी के भी ऊपर गलत इल्जाम लगा सकता है, पर आज तक कभी भी मीडिया वालों ने सच का मायने नहीं रखा है और सिर्फ न्यूज वैल्यू देखा है, और ये फ्यूचर के लिए बहुत बुरा है। हम एक मीडियम है जहां आप लोगों से बात कर सकते हैं, और यही काम हम कर रहे हैं। अभी हम तंगमा राजन से बात करेंगे जो हमारा कोचिंग स्टूडियो में है। मिसेस तंगमा राजन, नमस्ते। नमस्कार। पिछले एक हफ्ते से केरला पॉलिटिक्स में आपका रोल बहुत बड़ा हो गया है, और ये आप जानती भी है। क्या आप अभी भी यही कहेंगे कि सर ने आपका मॉलेस किया है? और नहीं तो क्या, ये तंगमा ऐसे ही कहने वाली नहीं है। 24 तारीख को तेकार गेस्ट हाउस में 2:30 बजे ये संभव हुआ है। किसी मैजिस्ट्रेट के सामने ये कह सकती हूँ मैं? हाँ, नहीं कह सकते हैं क्या वो? सर, मुझे नहीं लगता कि मैं इन बेवकूफियों का कभी भी जवाब दूँ। बेवकूफी? किससे मैं बेवकूफी दिखाई? तंगमा प्लीज, ये एक लाइव इंटरव्यू है। हाँ लाइव है तो मुझे क्या होता है, मुझे जो कहना है किसी के सामने कह सकती हूँ। 24 तारीख को गेस्ट हाउस में जो कुछ हुआ मुझसे पूछो, सुनने देना सभी लोगों को। आगे बड़े कहने वाला। मिस्टर थॉमस, 24 दोपहर को क्या आप उसी गेस्ट हाउस पर थे? वहाँ के विजिटर्स लॉग पर तंगमा के नाम रजिस्टर्ड है। व्हाट हैव यू टू से अबाउट दिस? आपने उनके बात करने का तरीका देखा ना, ऐसे लोगों से बात भी कैसे कर सकते हैं? देखिए, एक चीज मैं बता देता हूँ, एक बार ये औरत मेरी ऑफिस में जरूर आई थी,
पर मैं इस केस में उनका कोई मदद नहीं कर पाया। और मदद ना करने की वजह से ऐसा कोई रिवेंज लेता है? उपहार मांगने के लिए गई थी मैंने, मगर वहां जो कुछ हुआ। आप इन पे कभी भरोसा मत करना, इन्होंने प्लान करके मुझे ट्रैप करने का साजिश किया है। ये अभी बहुत सीरियस हो गया है मिस्टर थॉमस, यहाँ के सभी लोग यही बात कर रहे हैं। अभी ऑपोजिशन ने बोला है कि आपको अपना रेसिग्नेशन देना ही पड़ेगा, बहुत प्रेशर है आप पर। मुझे हमारे जुडिशियल सिस्टम पे बहुत भरोसा है, यहाँ पे कानून भी है और अदालत क्या भी है। अच्छा नहीं होगा कि आप पहले रिसाइन करें और फिर फॉर्मेलिटीज करें? इसके बारे में तो सिर्फ मेरा पार्टी डिसीजन लेगा, और उनके डिसीजन पे मैं सहमत भी रहूंगा। आप इस स्टेट का रिस्पॉन्सिबल होम मिनिस्टर है, आप ऐसे कैसे बात कर सकते हैं? माँ, आप चैनल क्यों चेंज किया? तू ठहर, देवी महादेवी का पूजा चल रही है ना, इसमें क्या है ऐसे देखने के लिए? सुबह से बस बातें करते रहते हैं। आज डिनर आप जल्दी खत्म किया है क्या? हे माता अम्बे, अरे आज तो प्रोग्राम देखना बहुत मुश्किल है। ठीक है, मैं मंदिर जा रहा हूँ। आपका ओपिनियंस बोल रहे कि आप बहुत चालाक है, क्या यही कारण से आप इतना खुली यहाँ बैठ रहे हैं? मैं एक स्ट्रेट फॉरवर्ड मिनिस्टर हूँ, और पिछले 40 सालों में मेरा पॉलिटिकल करियर बहुत क्लीन रहा है, और वो आपको भी पता है, और इसके ऊपर आप बैकग्राउंड चेक भी कर सकते हो। हमारे ऑडियंस के लिए इतना टाइम बिताने के लिए थैंक यू सो मच मिस्टर मिनिस्टर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। बुरा मत मानिएगा कि मैंने हाथ नहीं मिलाया, कल उसके ऊपर भी एक कॉन्ट्रोवर्सी निकल सकता है। और कोई सवाल? अब मैं सांस ले सकता हूँ ना? सब लोग खाना खा के ही घर जाइएगा, और आप भी मैडम, इंटरव्यू के बाद तो बहुत थकान होगी ना आपको। हो गया ना? मैं फोन करूंगी। ओके। एडवोकेट साहब थे क्या? हाँ हाँ, जाओ बात करो। आप जैसे कपल्स बहुत डेंजरस होते हो, क्योंकि आप लोग मिलके हमारा जीवन नामुमकिन कर देते हो। एडवोकेट साहब केस बनाते हैं, और बीवी उसका इंटरव्यू करके पूरे दुनिया में फैला देती है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप दोनों करना क्या चाहते हो। सॉरी सर। इसमें सॉरी की क्या बात है, मैं बस एक मजाक कर रहा था। सच में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और एडवोकेट साहब को भी मेरा प्रणाम दे देना। ओके, चलिए तो फिर हम निकल रहे हैं, कल सवेरे एक फंक्शन पे जाना है, तो फिर मैं विदा लेता हूँ। थैंक यू, बाय। हेलो, क्या बोल रहा था अपना मंत्री? क्या बोलूंगी मैं, ये सब करने के बाद भी उसका सेंस ऑफ ह्यूमर को कोई प्रॉब्लम नहीं, वो कभी नहीं सुधरेगा। मेरा परफॉर्मेंस कैसा था? एक दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस तुमने मिस किया, मैंने नोट करके दिया था ना। मैंने मिस आउट नहीं किया था, वो पॉइंट मैंने अवॉइड किया था। अक्यूज को फायर करने के लिए ये तुम्हारा कोर्ट नहीं है नंदन, पूरा का पूरा लोग ये लाइव पर देख रहे थे। ऐसे उसके पीछे चल चल के हर एक घंटे में उसका न्यूज रिपोर्ट करना बहुत ही चीप सी बात है। और कोई ऑप्शन नहीं है नंदन, डिनर हो गया क्या? अच्छा, मैंने खाया कि नहीं? तुमने यहाँ पे बहुत कुछ बना के रखा था। कोई बात नहीं, मैं कुछ डोसा बना के खा लूंगा। थॉमस चाको ने हमारे लिए स्पेशल मटन बिरयानी अरेंज किया है, संभाल के खा लेना। लोगों को उल्लू बना के तुम्हें मटन करी खिला रहा है, देख लेना। कुछ भी बोलो, वो बहुत चालाक है, वो तो मुझे समझ गया, टू डिसेप्टिव। वहाँ का रहन सहन ठीक है ना? कुछ चाहिए तो अपना वो मोहन का नंबर है मेरे पास, चाहिए तुम्हें? नहीं चाहिए नंदन, आई एम परफेक्टली फाइन। कल है ना मारंगरा हियरिंग? हाँ हाँ, कोर्ट में जाने से पहले वहाँ तक एक बार जाना है, जजमेंट के पहले उनके जगह में कहीं एक पूजा हो रहा है, उन्होंने मुझे भी बुलाया है वहाँ। इस बार जीत हमारा होगा नंदन, पता नहीं ऐसा लग रहा है मुझे। फिर मुझे कल प्रेस कॉन्फ्रेंस पर उस थॉमस चाको को रोस्ट करना है। देखते हैं, किसी को कुछ भी नहीं कह सकते हम। यू डोंट वरी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं प्रार्थना करूंगी। गुड नाइट। गुड नाइट। प्रमुख हत्या केस में मुद्दा आई, अनंतपुर शाहजहां का तो एक आदमी को, गोरखपुर शाहजहां को ये केस में बेल मिल गया, क्योंकि ये केस में कानून शाहजहां को
निरपराध का तो सोच के उसको बाहर छोड़ दिया। दे दो। अनली शाजी, इसका नेम बहुत डिफरेंट है। घर का नाम है मुरीपाट, ये भी बहुत डिफरेंट है। कहाँ कहाँ, मुझे भी दिखाओ। अरे यार बेचारा कितना मासूम लग रहा है। सुबह सुबह में सभी लोग देख रहे, वो टाइम पे हत्या कर दिया। ये तो कल ही कल नहीं, जाने वाले कल। कल जरूर हमको छुट्टी मिलना पड़ेगा। और आप लोगों को भी कल छुट्टी है ना? किस लिए? अरे क्या तंगपन भाई, हमारा मंदिर का उत्सव है ना, आपको जरूर आना पड़ेगा। तू मुझे समझाने का जरूरत नहीं सत्या, तुमसे भी ज्यादा मुझे बहुत एक्सपीरियंस है, मालूम है क्या? देखा है ना आप लोग उसका घमंड। अरे वो बात छोड़िए ना सत्या भाई, ये सब काम बार बार तो हो जाएंगे ना। अरे मेरे दोस्त, आपको ये समझना बहुत मुश्किल है, मेरा जिंदगी में स्कूल डे से आज तक हमारा मंदिर का उत्सव कभी भी मिस नहीं किया, और हर बार हम खूब मजा हो जाएगा, और उसके लिए कारण क्या है वो हमको मालूम नहीं है। कल का कथाकरी कैसा था? बहुत अच्छा परफॉर्मेंस, कलाकार नानू सर बहुत अच्छा किया, 1:30 बजे खत्म हो गया। ओह, इसका मतलब आप पत्ता खेल के हमारा पैसा पूरा जीत लेंगे क्या? नहीं नहीं नहीं, आज मैं नहीं सोएगा, आज मैं बहुत एनर्जेटिक हूँ, तुम खेलो ना। ले लो। बस तो कैसे भी हम पैसे कमाना है, बस मेरा कमाल दिखाएंगे, जरूर जीतेंगे। हाँ ठीक है, 4 बजे। हाँ मैं आती हूँ। ओह, इस चैनल वालों से तंग आ रही है। चैनल में बात करने के बाद अभी एक पॉलिटिशियन जैसे बात कर रहे हो तुम, ऐसा है ना? देखो देखो ना, वो तो बड़े आदमी हो गया। 24 तारीख 2 बजे, तयकार गेस्ट हाउस में। अगर सच बोलना है तो मंत्री ने आपको क्या किया? वकील से मुझे क्या छुपाना है, उस दिन मैंने वहाँ गया, अगर रेत लेना नहीं छोड़ा है तो मैं सत्याग्रह करने को बताया। जरा देखिए कौन बात कर रहे हैं। हाँ हेलो, कौन है? हाँ बोलिए। हाँ, उस दिन उससे मजाक से ले लिया, उसने कहा है कि घर के सामने आ गया तो सभी लोगों को तंग आता है, मेरे लिए शेड डाल के देता है कि सत्याग्रह करने के लिए। हम लोगों के लिए इतना भी मदद कर सकते हैं कि वो? अच्छा। उस समय मुझे इतना गुस्सा आ गया है कि हमें जीने के लिए यहाँ स्थल नहीं है, उसे छोड़कर वो तो मजाक कर रहे हैं, जो मेरे मुँह में आया बता दिया। और उसके बाद? बाद में क्या? बाद में कुछ नहीं, जो भी कहो उसको तो शर्म ही नहीं आ रहा है, वो तो बायस है, जंगली आदमी कहेगी। अच्छा, तो आपने जैसे बोला वैसा हुआ नहीं है वहाँ पे? वो तो कितने बरसों से ये अन्याय हो रहा है, सोने समझकर ही ना ये रेत ले जा रहे हैं। वो रेत नहीं ले जाने के लिए तो सरकार ही कह रहे हैं ना, हम लोगों को यहाँ से जाने के लिए कह रहे हैं, यहाँ नहीं तो हम कहाँ जाकर जिएंगे, मरना है तो सभी लोग यही मरेंगे। उसके लिए ही हमने कोर्ट में केस दिया है। हाँ, क्या केस है, हमारे जैसे लोगों के लिए तो कुछ भी नहीं केस होता है। वकील ने बताया है ना, पिछले साल वोट लेने आया है, कुछ भी किया है क्या वो लोग? इन सब चैनल वालों के साथ वकील भी आया है ना, हमारे सब समस्याओं को रोकर बताया है ना, तब भी कोई मुड़कर भी नहीं देखा। सुनो, राष्ट्र टीवी वाले प्रोग्राम करने वाला है, वो लाइन में बात कर। मुझे किसी से बात नहीं करनी है, अगर लाइव है तो आने को कहो, नहीं तो चुप बैठने को कहो। हेलो, हाँ सुनिए। आप सभी लोगों को तंग मचाइए, किसी को शर्म नहीं है, इन जैसे लोगों को नजर में क्या कहूँ, मुझे कहाँ नहीं जाता है, इस देश में औरत को ऐसे ही करना पड़ेगा। एक बात सही भी है, करप्शन के नाम पे किसी मंत्री को यहाँ पनिशमेंट नहीं मिला, अगर किसी ने कभी रिसाइन किया हो तो वो एक लड़की के मामले में ही है। हमारे केस में भी कोई पंगा हो सकता है एडवोकेट सर? हे, बहुत सारा मीडिया पब्लिसिटी अभी तक हमें मिला है, जुडिशरी को आसान से इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, वो हमारे लिए अच्छा होगा। ओ, आप लोग ने केस के बारे में बात कर रहे, वो तो कभी नहीं हो जाएंगी। देखिए भैया, इधर CMC फैक्ट्री आए तो ज्यादा लोग को काम मिल जाएंगी ना। उससे क्या होगा सुधी, आप लोग यहाँ जी नहीं पाएंगे। मुझे समझ में नहीं आता ये फैक्ट्रीज में हम क्यों काम करें? काम क्यों नहीं करेंगे, सबके लिए अच्छा है ना। तू तो चुप रह। हो, अगर कॉलेज गया है तो बड़े आदमी बन गया हो क्या? हे, उसको अपना राय बताने दे, आ जाओ। तुम ऑफिस नहीं गए आज? आज तो छुट्टी है भैया, इसलिए आज घर पे हूँ। क्या है मथाई, अच्छा माल है? चाहिए क्या आपको, कार में ले नहीं चाहिए, घर पे अनु नहीं है, मुझे ही करना पड़ेगा।
कोर्ट हमारे पक्ष में बोलेगा, हम यहाँ आगे भी रह सकते हैं ना। घबराने की कोई बात नहीं है, सच हमारे साथ है, सच को हरा नहीं पाएंगे वो। मैं चलता हूँ। ये अगला साल भी आएगा सत्या, ये साल नहीं गया तो क्या होगा, इसे एक बार क्षमा कर दो। सर इस साल मंदिर का उत्सव बहुत बड़ा होगा सर, लाइट म्यूजिक, फायरवर्क्स, डांस प्रोग्राम। दूसरा कुछ बोलो। सर आप हमको एक दिन के लिए जरूर छुट्टी दीजिए सर, प्लीज सर। आप छुट्टी किधर मिलेगा सत्या, यू हैव टू ओन योर ओन कमिटमेंट्स। सर हमारा पूरा ऑडिटिंग वर्क आज मैं खत्म करेगा सर, कितना भी टाइम हो जाएगा, वेरिफिकेशन खत्म करके मेल सेंड करके मैं यहाँ से जाएगा, ये मेरे वादा है। सर आपको अच्छी तरह मालूम है ना मेरा वर्क स्पीड क्या है। धन्यवाद सर, मैं जा रहा हूँ। सुनो सत्या, ये लीजिए राधामणि मैडम आपका चाय। सतिन सर आपका ब्लैक टी। नहीं भाई आज चाय पीने के लिए टाइम नहीं है, आज इतना काम है पूरा खत्म करना अच्छा, पड़ेगा। क्यों? और दोस्त आज आपके साथ मैं वापस नहीं आएगा, शायद मैं आज लास्ट ट्रेन पकड़ेगा। और मिस्टर कुरुब कल मैं छुट्टी है पक्का। इस बार भी कमिटी मेंबर को हम टीवी में देख पाएंगे क्या? नहीं नहीं, अगला साल हमको एक छोटा सा गलत हो गया इसलिए ऐसा किया। अरे ये करने के लिए हमको टाइम किधर है भाई, और कल मंदिर उत्सव है ना, सुबह से रात तक हमको एक सेकंड भी नहीं मिलेगा रिलैक्स करने के लिए, लेकिन फिर भी हमको ये सब खुश है। हाँ ठीक है ठीक है। और तुम अगर कल किसी वजह से ऑफिस नहीं आए तो फिर मैं तेरे को दिखाता हूँ, क्योंकि ऐसे टाइम पे तुम जैसे लोग जाके पी के टून हो जाओगे, क्यों है नहीं? आपको नहीं पता है क्या, रसूल पोकुटी को तो नेशनल अवार्ड मिल गया, जाफर को तो नया नाम मिल गया, अब तो देखो ना पोकुटी को। अरे आप दोनों थोड़ा सा चुप रहो ना, अरे हमको इतना काम है इधर कम्प्लीट करने के लिए। हम ये केस के बारे में पूरा इंक्वायरी करने के बाद हम ये फैसला किया, एक बहाना बना के एक झूठा इल्जाम लगा के एडवोकेट नंदन कुमार और उनका बीवी अनुराधा नंदन को राष्ट्र टीवी माध्यम से इनको उसे दुर्विनय करने का इल्जाम लगा दिया। बहुत दिन से थॉमस जॉर्ज और उनका अंदर लफड़ा चल रहा है, ये उनका पर्सनल एजेंसी है। योर ऑनर ऐसी बात नहीं है, पिछले 6 सालों से 3.5 किलोमीटर का किनारा अब सागर के मुँह में है, अब वहाँ पे शुद्ध जल नहीं मिल रहा, अच्छी मछलियाँ नहीं है, उनका इनकम भी नहीं। जब से सरकार ने सीएमसी लिमिटेड को माइनिंग लीज दिया था तब से इस प्रदेश को वो लोग डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, वहाँ के लोग सच कहे तो जिंदगी से लड़ रहे हैं माय लॉर्ड। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। यस प्रोसीड। वो लोग उधर से कॉम्पेंसेशन मिल रहे करके वो लोग उधर से जगह खाली कर दिया, लेकिन नहीं मिला। अच्छा सा कॉम्पेंसेशन नहीं, तुच्छ कॉम्पेंसेशन है, उसके साथ वो कहीं भी जाके घर नहीं बना सकते, क्या काम करके जिएंगे वो। वहाँ के मिट्टी में बहुत सारे मिनरल्स हैं, उसको मार्केट में बहुत सारा पैसा मिलेगा। उस पैसे के लिए ही हमारे गृह मंत्री थॉमस चाको के सहारे के साथ सीएमसी लिमिटेड बेचारे गरीबों के जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। वो वरुण, यहाँ के सरकार लोग और यहाँ के नेता और व्यापारी भी कोई इनके साथ नहीं है, इस जगह के बाहर रहने वालों को इससे कोई लेना देना नहीं है, इसलिए कोई इंटरेस्ट भी नहीं। इसी वजह से इसको प्रोटेस्ट करने के लिए यहाँ के लोग खुद बाहर निकल के आए। अपनी जन्मभूमि में जीने का अधिकार हर एक बंदे को है, मारंगरा के लोगों को जस्टिस मिलना चाहिए और बहुत ही जल्द मिलना चाहिए, और यही मेरा रिक्वेस्ट है माय डियर ऑनर। कोर्ट पर आज बोला हुआ है कि एक केस बहुत बड़ा ऑफेंसिव है, जज ने यही बोला है। परसों मारंगरा का फाइनल हियरिंग है, आपको डर लग रहा है? मुझे डरने की क्या जरूरत है, सच्चाई तो आपको पता लगेगा और सच्चाई को ही न्याय मिलेगा। बाहर बात चल रही है कि सीएमसी डायरेक्टर सैम मेंडिस और रजी नायर आपसे मिलने के लिए कोट्टायम आए थे। आप ही बोल रहे हो कि ये रूमर है। जो भी तंगमा राजन ने बोला है आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस पर, यही साबित कर रहा है कि आपको माइनिंग केस में भी डायरेक्ट इन्फ्लुएंस है। सीएमसी ग्रुप के साथ आप उस केस में फिफ्थ अक्यूज्ड। मैं जरूर स्थापित कर सकता हूँ कि ये सब चार्जेस सिर्फ झूठे हैं और इसमें कोई सच्चाई नहीं है। मारंगरा में थोड़े लोग हैं जिनको सच पता है और वो प्रूव कर पाएंगे कि मैं इनोसेंट हूँ। धन्यवाद। एकदम खड़ूस साला है, देखा मुंह तक नहीं खोला। छोड़िए ना, अब तो गेस्ट हाउस में हम लोग को डिस्कशन है ना। हे अनु क्या सोच रही हो, हम सबको धोखा देके क्या एक्सक्लूसिव न्यूज अपने लिए लेने की सोच रही हो? नहीं नहीं, मुझे रूम जाना है, बहुत नींद आ रहा है। गुड नाइट। गुड नाइट। अरे दोस्त एकदम बढ़िया चाय दे दो ना। आप क्या भाई इतना जल्दी आ गया, काम नहीं है क्या? आज बहुत काम हुआ था ऑफिस पे। गाड़ी अभी निकल गई ना।
आखिरी गाड़ी है ना। इस साल मंदिर का उत्सव में म्यूजिक प्रोग्राम मिस किया। हाँ हाँ। गाड़ी नंबर 306 एर्नाकुलम पालक्काड पैसेंजर ट्रेन 2 नंबर का प्लेटफॉर्म। बोलिए दीदी। क्या हुआ सुधी? ये डुप्लीकेट के हमको मिल गया। ओके, आई लॉग इन राइट नाउ। हेलो दीदी, आप सुन रहे क्या? यस, पैन योर कैमरा अ लिटिल मोर टू द लेफ्ट। अब ठीक है ना? परफेक्ट, फाइन। अभी सिर्फ मॉनिटर बंद करो। ओके। कौन हो तुम? सर, हम तो कंप्यूटर मैकेनिक है, इसमें तो एंटीवायरस आ गया, मैं देखने के लिए आया। तो फिर जाओ यहाँ से। सॉरी सर। अच्छा सर, वो दरवाजा बंद करो और मुझसे पूछे बिना कोई अंदर नहीं आना चाहिए, समझे? ठीक है सर। दिन भी निकल रहे हैं और समस्या भी बढ़ रही है भाई। आप क्या बकवास कर रहे थे वो मीडिया के सामने? इधर कौन आके विटनेस देने वाला है? ये बात पकड़ के वो लोग उसका पीछा रोज भागेंगे। ऐसा सोचने से कुछ नहीं होने वाला है भाई। आप सीधा जाके सीएम से मिलके बात करो, वो जरूर तुम्हें रिजाइन करने के लिए बोलेंगे। तुम्हें बचाने के लिए कोई तुम्हारे पीछे नहीं आने वाला है। तुम्हारा पार्टी, जनता, सब तुम्हारे खिलाफ है। वो सब मुझे पता है। मुझे पता था कि सब लोग इसी के इंतजार में थे, और मुझे ये भी पता है कि ये सब उसी औरत की वजह से हुआ है, और आज सब लोग उसी के पीछे पड़े हुए हैं, और इस सब का प्लानिंग उस एडवोकेट ने ही किया है। जो हो गया हो गया, उसको छोड़ दो। इससे बाहर कैसा निकलना है वो सोचो। आप रिजाइन करने से क्या होगा आपको पता है, एक एक करके तुम्हारे पीछे पड़ेंगे, वो भूलना मत। सब आप तो एक यात्रा करिए ना, वो यात्रा से पूरी पब्लिसिटी आपको आ जाएंगी। दफा हो जाओ यहाँ से। पावर इस दुनिया में सबसे बड़ा एडिक्शन होता है, और हमारे बीच में ऐसे भी लोग हैं जो इस चीज को समझते नहीं है। उन्हीं की वजह से मैं आज इस सिचुएशन में हूँ। पर अगर मेरी कोई गलती ना होने से मुझे रिजाइन करने को बोलोगे, मैं नहीं करूंगा। फिर क्या करेगा? वो सीएमसी शिवन को बुलाओ। वो काम मत करो। मोबाइल से कॉल मत करो, बाहर जाके एक पीसीओ से कॉल करो और उसको बोलना कि एक घंटे के अंदर अंदर यहाँ आए। मुझे डर लग रहा है, छोड़ दो उसको। इन मीडिया वालों को सिर्फ एक न्यूज चाहिए, और उनको न्यूज अब मैं दूंगा, और पूरी दुनिया इस न्यूज पे सेलिब्रेट करेंगे। वेबकैम को किसने चलाया है? आप क्या बोल रहे हैं? कंप्यूटर नहीं किया क्या? सिर्फ वो मॉनिटर बंद है, सीपीयू तो अभी भी ऑन है। हेलो सुधी, मुझे बहुत सिक फील हो रहा है सुधी। पता है मैंने अभी क्या देखा वहाँ पर? उसको पता चला है कि वेबकैम ऑन था। वो हमें ट्रेस नहीं करेंगे ना? तुम्हें अभी ही मारंगरा जाना पड़ेगा। मैं ये अभी एयर करूंगी। हेलो
हेलो, कौन है? सुधी, वो तो रूम में नहीं। क्या क्या उसने रूम वैकेट किया है? हाँ सर, बैग और आईडी कार्ड रूम में भी है, सभी जगह में। हमारा आदमी चले गया, वो तो एस्केप नहीं हो सकते। नहीं, वो काफी नहीं होगा, हमारा सेफ रहना ही आपका जरूरत है। कल के पेपर का प्रिंटिंग शुरू हुआ होगा कि नहीं? इसका मतलब क्या है? उनको कॉल करके बोलो कि आगे के पेज में थोड़ा जगह रख दे, मेरे पास एक न्यूज है, ये होना चाहिए कल का हेडलाइन। ये लड़का, वो एडवोकेट और उसकी बीवी, समझ में आया? हम अभी किधर पहुंचा है? किधर पहुंचा है हम? कौन कहां पहुंचा? अरे क्या स्टेशन क्रॉस किया है? अभी 20 मिनट में गुरुवायूर पहुंचेगा। अरे भगवान, हमको नेल्लाई जाना पड़ेगा। और फिर क्यों नहीं उतरे? ओवरटाइम ड्यूटी है ना, आज लेट हो गया, ट्रेन मिस किया और अभी सो गया। अगर जरूरत है तो ये चेन खींच सकते हैं, उसके बाद पीछे भाग जाना, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। चेन खींच करना है क्या? अगर मेरे जैसे आदमी स्टेशन में उतरेगा और चेन खींचेगा तो गाड़ी कैसा डेस्टिनेशन जाएगा? तो फिर चेन मत खींचो, बाहर कूद लेना, सिंपल सी बात। अरे आप इस रात हमको बेवकूफ कर रहे हैं क्या? अभी मैं इतना नाराज है, अभी तक घर नहीं पहुंचा, लेकिन आप हमको बेवकूफ कर रहे हैं। अच्छा वही बात है, तो इधर आइए, यहाँ बैठिए, गुरुवायूर तक मैं आश्वासन देता हूँ। अच्छा आप तो कॉमेडी एक्सपर्ट है। क्यों भैया, आपको कॉमेडी पसंद नहीं है? अरे कॉमेडी बोलने के लिए कुछ टाइम है भाई। अच्छा वो मुझे पता नहीं था, सुबह 9 से 12 तक कॉमेडी, उसके बाद ट्रेजेडी, ऐसा कोई है क्या? ऐसा नहीं भाई, अभी तो मेरा ऐसा आदमी कॉमेडी एंजॉय करेगा उसका नींद में, क्योंकि पूरा दिन उसका जिंदगी में ट्रेजेडी है ना। सही फिलॉसफी है ये तो, आप किसी भी तरह पकड़े रहेंगे। ओ बहुत शुक्रिया भाई। अरे भगवान मैं क्या करेगा मालूम नहीं। गुरुवायूर में वापस जाने के लिए कोई ट्रेन मिलेगा? वो तो कैसा होगा, 7 बजे और 1:30 बजे एर्नाकुलम फास्ट है, 9 बजे और 5 बजे त्रिशूर पैसेंजर है, और रात को 9 बजे चेन्नई गुरुवायूर मेल है। इस रूट में और क्या गाड़ी है? ये सब मालूम होते हुए भी आप सो गए? वो तो हमने एक्चुअली वो क्या कल सुबह फास्ट पैसेंजर पकड़ के घर जाने से पहले मंदिर का शिवलिंग खत्म होगा। घर पे खुद ये सब बातें हैं क्या? अरे भाई साहब ऐसा मत बात कीजिए। भाई आप तो भयंकर हो, सभी बातों में जानकारी है आपको।
आज का दिन बहुत खराब है, फोन का चार्जर भी चला है। कहीं कॉल करना है तो? नहीं चाहिए। कोई बात नहीं, इसमें चार्ज है, कॉल करो। ये आइडिया नहीं तो बीएसएनएल है, आपका पोस्टपेड नहीं तो प्रीपेड है। एक कॉल करने के लिए ये सब क्यों पूछ रहे हो? अगर इंक्वायर करेगा तो हमको मालूम होगा ना एक कॉल के लिए चार्जेस क्या है। आपको वो कॉल चार्जेस देना पड़ेगा ना। मेरा जिंदगी में स्ट्रेंजर से फ्री कुछ नहीं मांगता है। ये बीएसएनएल पोस्टपेड है, कॉल करने के बाद पैसा देना। इसमें नेटवर्क नहीं है। दिखाओ। अच्छा, इसमें रेंज नहीं है। मैंने सोचा कॉल करके वाइफ को इन्फॉर्म करना। अब गुरुवायूर पहुंचेंगे, वहां से कॉल करते हैं। वैसे भी अपना परिचय कराता हूं मैं एडवोकेट नंदन मेनन। आप एक एडवोकेट है क्या? झूठ बोल करके पैसा अर्न कर रहे हैं। कभी कभी सच को रूबरू करने के लिए थोड़े झूठ भी बोलने पड़ते हैं। फिर भी झूठ कभी भी झूठ है ना। एक सवाल पूछना है आपको, ये आपका प्रोफेशन है ना, आपका मन में गिल्टी फीलिंग नहीं है क्या? उसके लिए एक दवाई है। दवा? जब भी गिल्टी फील हो तब एक डोज ले लेना। एक हफ्ते के लिए कोई गिल्टी फीलिंग नहीं होगा। दवाई का नाम नोट कर लो, गिल्टोमाइसिन। ओह, ह्यूमर ह्यूमर। अच्छा अच्छा अच्छा। और नहीं तो क्या। अब क्या करने वाले हो? मैं तो वापस घर जाएगा बस। सर, वापस त्रिशूर की दिशा में कोई गाड़ी है? अच्छा, आप सो गए थे क्या? यहाँ पे तो ये चलता रहता है। मैं नहीं, ये सो गए। नेल्लाई में उतरना था। वापस जाने के लिए अगर ट्रेन चाहिए तो वो तो कल सुबह ही मिलेगा। सर, इधर से बस मिलेगा? वहाँ तक जाने वाले बसेस तो मिलेंगे पर कोई रिलायबल नहीं है। बहुत देर हो चुकी है, यहाँ ठहर के सुबह चले जाना। अगर आपको यहाँ सोना है तो डॉर्मेटरी रेडी कर दूंगा, बस बोल दीजिए, मैं अपने रूम में रहूंगा। मेरे लिए एक होटल रूम है इधर। मैं और मेरे वाइफ के लिए एक डबल रूम था, अचानक से उसके लिए एक असाइनमेंट आ गया। वो राय टीवी में एक न्यूज एडिटर है। अच्छा, ठीक है। उसका नाम क्या है? अनुराधा, अनुराधा नंदन। ओ, मैं देखा है उसका प्रोग्राम्स। आधा किराए दे सकते हो तो मेरे साथ रह सकते हो। वो क्या है ना, पैसे के बारे में आप बहुत स्ट्रिक्ट हो ना। वो एसी रूम है क्या? ऐसा है तो मैं कल शाम तक सोएगा, क्योंकि मेरा घर में एसी नहीं है। ऐसा है तो डॉर्मेट्री बेस्ट है। अब बात यहाँ तक आ गई तो एक चाय पी के भाई कहें क्या? बट हमारा बारे में क्या मालूम है। यहाँ आइए ना, मेरा चाय का पैसा मैं पे करेगा, ठीक है? चाहे तो मेरा भी दे देना। वो तो मेरे लिए मुश्किल है। आपका एक फोटो मुझे चाहिए, हर दिन मुझे देखना है। लेकिन मेरे पास नया फोटोग्राफ नहीं है। क्या बात है। यहाँ एक रेस्टोरेंट हुआ करता था। आप बोल देना आप आ रहे, इसीलिए वो चला गया। अच्छा,
भाई साहब को भी कॉमेडी आती है। लेकिन एक बात है, घर पे अपनी वाइफ और बच्चों को सुनाने के बाद ही ऐसे कॉमेडी बाहर बोलना चाहिए। तो आप भी ऐसा टाइप है ना? बाप रे बाप, और बात नहीं कर सकता मैं आपसे। आप यहाँ से कैसा जाएगा? क्यों, मुझे ड्रॉप करना चाहते हो? यहाँ पास में ही है, मैं चल के ठीक है, अगर बुरा नहीं मानेंगे तो फिर मिलेंगे। ओके चलता हूँ। चार पांच आदमी आके उसको मार के वो उसको लेके गया। कौन सर? अभी मेरे साथ बात किया ना इधर। हाँ। एडवोकेट नंदन मेनन सर, अभी हमको पुलिस को रिपोर्ट करना है सर, मैं इधर से कॉल करेगा सर। एक मिनट, आप ठीक से तो बताइए हुआ क्या था सर? मैं आवाज सुन के देख आया, उससे पहले वो चार पांच आदमी उसको लेके गया। अब आप किसको कॉल कर रहे हो? हाईवे पुलिस सर, एक इमरजेंसी नंबर है ना। हेलो, ओके गुरुद्वारा रेलवे स्टेशन में क्या व्हीकल नंबर? टेंशन में गाड़ी का नंबर नोट नहीं किया सर, प्लीज सर आपको कुछ करना है सर, जरूर सर, उसका लाइफ बहुत डेंजर में है सर। सी, इतना जल्दी इन्फॉर्मेशन देने के लिए हमें भी थोड़ा लिमिटेशंस है। ओके वी विल ट्राई आवर बेस्ट, आप जाके रेलवे पुलिस में रिपोर्ट करो, ठीक है? क्या हुआ? रेलवे पुलिस को कंप्लेन करने के बोल रहे हैं। हम कर सकते हैं, पर होगा क्या? जब तक हम कंप्लेन देके वो कुछ करने का कोशिश करेंगे तब तक कुछ हो गया तो? इस वक्त में हम क्या करेगा सर? लोकल पुलिस को कंप्लेन करेगा? इसके पहले कभी पुलिस स्टेशन गए हो आप? नहीं। अच्छा, आपका नाम क्या बोला आपने? सत्यनाथन। मिस्टर सत्यनाथन, मैं आपको ये चीज अपने एक्सपीरियंस की वजह से बोल रहा हूँ, आपके लिए बेहतर ये होगा कि आपने कुछ देखा नहीं और सब कुछ भूल गए, ऐसे सोचो। सर आप क्या बात कर रहे हैं सर? आपने सुना ना पुलिस ने क्या बोला आपसे, अगर आप अभी एक केस फाइल करोगे उसके बाद बहुत टाइम लगेगा, फिर कोर्ट कचहरी ये वो आपको बुलाएंगे, तंग करेंगे, ये सब आपको चाहिए? और ये सब करने की वजह से उसको कोई फायदा नहीं मिलेगा। उसका बीवी राइट टीवी जर्नलिस्ट है, उसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा, शायद इंक्वायरी चेक करेगा उसका नंबर मिलेगा, हमको थोड़ा सा मदद करना पड़ेगा सर। हेलो सर, मैं हैव राइट टीवी एर्नाकुलम ब्रांच का नंबर। ओके ओके कॉल कोई नहीं पिकअप कर रहे सर। सर मेरे लिए एक टैक्सी अरेंज कीजिए ना, मैं डायरेक्ट जाके उसको वाइफ को इन्फॉर्म करेगा। प्लीज सर, कल सुबह न्यूज़पेपर में ऑब्चुरी कॉलम में उसका नाम आएगा तो बहुत नाराज होगा सर, हमको बहुत कष्ट हो जाएगा सर, इसीलिए सर। कंपनी चालू होने तक ये तो जीते रहेंगी क्या? सिर्फ दो घंटे है ना, मरना है तो मरने दो।
स्टेशन मास्टर मुझे बुलाया इधर, नहीं तो मैं कभी भी इधर नहीं आऊंगा। बहुत सोना दे के मेरा दो बेटियों को शादी किया मैं, लेकिन माँ को मिलना है तो टाइम नहीं मिलेगा। यही आदमी के बारे में तुम बोल रहा था ना, वही है? हाँ, क्या? यस सर, हमको अभी यहाँ से जाना है। आपको आदमी का अच्छी तरह जानते हैं ना सर? ज्यादा बात नहीं करना है, टाइम हो गया। लेकिन मुझे समय है, आधी रात सवारी लेकर जाने के बाद अनजान जगह में जाके ड्राइवर को मार के गाड़ी लेके भाग गया तो इसे कौन जवाब देगा? इसीलिए मैं बार बार पूछ रहा है, ये आदमी कैसा आदमी है? इनसे तो मेरी मुलाकात अभी हुई है, पर ये बहुत अच्छे इंसान है, इनको कितनी भी जल्दी एर्नाकुलम पहुँचना चाहिए। सर ये क्या कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा है, तुम्हारा बैग देख रहा है खाली, अंदर चाकू घी का क्या देखना है ना? क्या कर रही है? हाँ, और एक बात है, तुम फ्रंट सीट में ही बैठेगा, बैक सीट में बैठने के बाद हमारा गला पकड़ के दबा दिया तो? हाँ, इसीलिए बीच में गाड़ी किधर भी नहीं रुकेगी, दूसरा आदमी को कार में नहीं चढ़ाएंगे, समझे? ठीक है, मैं डिक्की का अंदर बैठेगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा ना? हाँ, हम जाके पेशाब करके आएंगे, आप बैठो, हम अभी आ रहे हैं। चाहिए क्या? नहीं चाहिए। ये भी उसकी गलती नहीं है, आजकल सबको एक दूसरे से शक ही है। एडवोकेट को इतना भी अंदाजा था कि उसका किडनैप होगा? आजकल लाइफ में कुछ भी हो सकता है, और मुझे पता है कि आपको सिर्फ सक्सेस ही आएगा। ऑल द बेस्ट। अरे भाई थोड़ा सा स्पीड इंक्रीज करो ना। भाई साहब आपको पूछ रहे, थोड़ा इंक्रीज करो ना। ये तरीका नहीं है। अरे गाड़ी स्टार्ट कर, अभी तक त्रिशूर नहीं पहुंचा है। ये इंजन का काम करके बहुत दिन हो गया, अगला 1000 किलोमीटर भी यही स्पीड में चलेगी। ये तो वहाँ से आपको बोलना पड़ेगा ना। बोलने के लिए टाइम नहीं दिया ना आप लोग? अब क्या बात कर रहे हैं, बुकिंग करने से पहले ये सवाल पूछना है क्या? बहुत स्पीड चलाने गाड़ी को आपको ढूंढना पड़ेगा। प्लीज आप ज्यादा मत बात कीजिए, आप जाइए। नीचे उतर है? गाड़ी से नीचे उतर, इसके बाद गाड़ी 1 किलोमीटर भी नहीं चलेगी। अभी तक कितना पैसा हुआ वो दे दो। उतर उतर उतर। सर आप क्या बात कर रहे हैं, इस रात हम यहाँ से कैसा जाएगा? एक आदमी का जिंदगी बहुत डेंजर में है, हमको उधर जाके उस आदमी को सेव करना पड़ेगा। समाज सेवा करने के लिए बैंक में लोन लेके गाड़ी नहीं लिया भाई, कोई अनजान आदमी को गाड़ी में बिठाने के लिए? सर आप प्लीज गाड़ी स्टार्ट कीजिए ना। प्लीज गाड़ी तो स्टार्ट करेंगे, लेकिन पैसे के बारे में पहले बात करो। वो वकील के बारे में क्या सोच रहे हैं आप लोग? एडवोकेट को अभी इस्तेमाल करना है, उस लड़की को आने दो। आज से कोई उसका विश्वास नहीं करेगा और कोई उसका मदद भी नहीं करेगा। उस बॉडी के साथ हमारे लड़कों को भी भेजना उस बंदे के घर तक। माँ मेरा बात तो सुनिए ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है। मैं आज लंच से पहले उधर आएगा, मोबाइल पे चार्ज भी नहीं है, आप गायत्री को इन्फॉर्म कीजिए बस। गाड़ी स्टार्ट कीजिए, अरे जल्दी भाई। कौन है भाई, क्या चाहिए? हमको यहाँ एक स्टाफ को मीट करना है, उसका नाम है अनुराधा। क्या है? अनुराधा नंदन, वर्किंग हियर, आई वांट टू मीट हर। मैडम इधर नहीं, 10 बजे के बाद आओ, बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं बहुत दूर से आ रहा हूँ। गुरु भाई थोड़ा मदद कीजिए ना। आपको सुनाई नहीं देता? बहुत सीरियस मैटर है भाई, थोड़ा हेल्प कीजिए। उसका रेसिडेंस एड्रेस मिलेगा क्या? गाड़ी इधर रुके। अब तक पूरा मिला के 1200 रुपये हो गया। इधर बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हाँ?
कोई ये घर को अटैक किया है। ये आपका रिश्तेदारों का घर है क्या? ये लोग है क्या? किधर जा रहे हैं आप? हेलो नंदन, मैं अभी यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी पर हूँ। गुरुवायूर से कब वापस आया? मैंने कितने बार फोन किया था? नंदन तुम्हें अभी यहाँ आना पड़ेगा। I'm in trouble। बहुत सारे गुंडे मेरा पीछा कर रहा है। कॉटन से यहाँ तक मैंने 4 बसेस चेंज किया है। सुधी को भी कुछ हो गया है। अभी अनुराधा कॉल किया है, ये न्यूज उसको मालूम नहीं है। उसको जरूर कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा, उससे पहले हमें उधर जाना है। आप आइए। आप क्यों इसमें घुस रहे? ये पूरा पुलिस का काम है, इसमें गए तो हम भी फंस जाएंगे। अरे वो दोनों तो बहुत अच्छा आदमी है, कोई उसको ट्रैप किया है। अरे तुम्हें क्या मालूम है? अरे कल रात मैं नंदन मोहन से बात किया ना गुरुवायूर में, और ये खून हुआ है कोटेम, वो कैसा करेगा भाई? उससे आपका क्या मतलब है? मैं जरूर उसको इन्वॉल्व करेगा, क्योंकि हमको सच मालूम है। वो हस्बैंड वाइफ बहुत अच्छा इंसान है, उसको मदद करना पड़ेगा। आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? आपको मालूम है क्या, हमारा मंदिर का उत्सव है, आज मैं उधर रहना पड़ेगा, और आप हमको कल रात ड्रॉप करके घर पे होगा, लेकिन हम दोनों अभी इधर है। उसका कारण क्या है? क्योंकि हम दोनों उसको मदद करना पड़ेगा। आपको कुछ प्रॉब्लम तो आप वापस जाइए, लेकिन मैं इस सिचुएशन में जरूर लेडी को हेल्प करेगा। शायद मेरा प्रिंसिपल में एक अच्छा आदमी का कर्तव्य है। आप घर को एक कॉल किया ना, मैं वो कॉल रिसीव किया। ऐसा है तो नंदन कहाँ पर है? कल रात हम दोनों गुरुवायूर पैसेंजर में ट्रैवल किया, और फिर मेरे सामने 3-4 आदमी उसको किडनैप किया। मैं आपको ढूंढ रहा था इन्फॉर्म करने के लिए। एक्चुअली कल रात एक खून हुआ है, अभी पुलिस आपको ढूंढ रहे हैं। ये देखिए, मालूम है आप ये खून नहीं किया है। मैं आपको कैसे मदद करेगा? ये सब कौन कर रहे हैं? ठीक है क्या? परफेक्ट। बाहर जाओ यहां से। सॉरी सर। ये सब उस एडवोकेट की वजह से है। इन मीडिया वालों को सिर्फ न्यूज ही चाहिए ना, अब मैं उनको न्यूज बना के देता हूं। We don't have any options. We are playing with millions. I know that, Mr. Sam. We have to do this now. कल जो जजमेंट आएंगे ना, वो तो हमके लिए फेवर नहीं रहेंगे। आप थोड़ा अच्छी तरह सोच के काम करिए ना, अगर मुश्किल हुआ तो हमको लिए बहुत मुश्किल है। मुझे पता है मिस्टर शिवन, पर प्रॉब्लम ये है कि मुझसे ये लोग रेजिग्नेशन मांग रहे हैं, वो हरगिज मैं नहीं करूँगा। एक बड़े दुर्घटना के बीच में लोग बाकी सब छोटी चीजें भूल जाएंगे। जो भी हो, इन सबको तो एक दिन मरना ही है, पर उसका वजह अभी तंगमा बन गई है।
दिन मुझे प्लेन क्रैश होने समय कंसिडर मत करो, इसलिए इतना तकलीफ उठाना पड़ेगा क्या? एक 10 लड़कों को भेज के कम्युनल इश्यू कर देंगे, बस उनको कौन पकड़ने वाला है? हाँ हाँ, ये सब तो तुम्हारे बेकार पुलिस ब्रेन की वजह से है। कम्युनल राइट्स और टेररिज्म तो बड़ी बोरिंग है। इसके अलावा जो भी होगा सभी का नजर मेरे ऊपर ही होगा, तुम्हें पता है। मैं तो आपको एक डेमो दिखाऊंगा, तुम्हारा संदेह क्लियर हो जाएगी। ये तो मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इंडिया में बहुत बड़ा एयरपोर्ट्स में ये भी है। तहेर एक तो एक प्राइवेट एयरक्राफ्ट, कल शाम को 4:20 को टेक ऑफ हो जाएगी। कोच्चि में उसका फैक्ट्री है, वहाँ तक ये लेकर ले जाएंगे। इसके बारे में बहुत कम लोग को पता है, ये तो बहुत कॉन्फिडेंशियल मैटर है। हमारा टारगेट यही है, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट। ये तहेरिया एयरक्राफ्ट वो छोटा गांव को सर्वनाश करने के लिए ये सोच रहे। ये फ्लाइट शाम को 5:50 को उधर पहुंचा जाएंगी। फ्लाइट को छोड़ के पायलट कैसे भी एस्केप हो जाएंगे। उसके बाद वो एयरक्राफ्ट वो गांव पर सर्वनाश कर देंगे। उसके बाद वो गांव पूरा सर्वनाश हो जाएंगे। सब लोग देखे तो ये तो फायर एक्सीडेंट का तो समझेंगे। लिकर बॉटल्स वो पूरा गांव को सर्वनाश कर देंगे। उसके बाद वो गांव में कोई भी नहीं जी सकते, देखने के लिए बहुत भयानक रहेंगे, कोई भी सोच नहीं सकता। किसी को भी अंदाजा भी नहीं होगा कि ये सब मैंने प्लान किया है। ये बहुत अच्छा प्लान है एंड इट्स क्वाइट नेचुरल। इसके बाद तंगमा भी नहीं रहेगी और हमारे इमीडिएट प्रॉब्लम सब सॉल्व हो जाएंगे। इस वेबकैम को किसने ऑन किया है? ये हमारा देश में होना वाला है क्या ये सब? वो लोग सुधी को मर्डर किया है, मुझे और नंदन को ट्रैप किया है, वो लोग कुछ भी कर सकते है। ये प्लान एग्जीक्यूट होगा, हजारों लोग मर जाएंगे। आज शाम को 4:20 वो फ्लाइट मुंबई से टेक ऑफ होगा। आप अभिनंदन को कॉल कीजिए ना, उसका प्रेजेंट सिचुएशन मालूम होगा। स्विच ऑफ है। हम सेफ है साहब, डीजीपी को मंत्री साहब को बोलो ना हम ठीक है, ये भी अच्छा है, लेकिन ज्यादा टाइम नहीं ले लो ना। बोलो ब्रदर, मैटर सीरियस, उसके सिर से ज्यादा खून आ रहे, 4-5 के तक काम हो जाना चाहिए, समझ गए? साहब उठ गए क्या? हम ये सार घर तक जाके आए, उधर नहीं मिला, गुरुद्वार में मिल गया। सर को पर क्या पड़ा है वो? मैं आपको जानता हूँ, आप यहाँ के गुंडा शाहजी हो ना। अच्छा पहचान है, ये बात अब तक उनको भी मालूम नहीं। कौन सा मंत्री के बारे में उन्होंने अभी बात किया? क्या आप ये सब थॉमस चाको के लिए करते हो? हमारा पास इतना समय नहीं बेकर के बात करने का। साहब रिश लेना है ना, इधर से भाग जाने की कोशिश करके हमें काम नहीं देना। वैसे भी जैसे आप चाहते हो कुछ नहीं होने वाला है, मुझे मारो तो भी। हम जानबूझकर किसी को नहीं मारेंगे, लेकिन मारने के लिए बोलेंगे तो पक्का मार देंगे हम। हमारा धंधा यही है ना। उसे ऐसा कैसा भागने दिया आप लोग? हमारा आदमी उसके पीछे कर रहा था, लेकिन वो तो एस्केप हो गया। तुम सब तो किसी भी काम के लायक नहीं रहे। क्या वो अभी कोचिन में है? मुझे कुछ तो बता दो यार। हम सब मिलकर रूम में बात कर रहा था ना, उसे पता हो मुझे गया। पता है कि उसके पास है और मैं श्योर हूँ। अभी मुझे क्या करना है?
ये सब टीवी में दिखाई दे रहे हैं। कैमरा मोबाइल रखने वाले विलेकरों को हम देखे, कंप्यूटर से काम करने वाले का अभी देख रहा हूँ। हाय मेरे भगवान, सब अनुराधा का फोन अभी बज रहे हैं। मिनिस्टर, हेलो, कहाँ हो तुम? नंदन कहाँ है? नंदन तो मेरे पास ही है। अगर तुम अभी दिमाग लगाओगी तो तुम और नंदन भी जीवित रह सकते हैं। अगर मैंने एक बड़ा साजिश रचाया है तो मैं ही हूँ जो तुम्हें उससे बचा भी पाएगा। तुम्हें पता है कि मैं वादों का पक्का हूँ। क्यों? मुझे नंदन से बात करना है। उससे बात भी कर पाओगे और उसके साथ अपना पूरा जीवन खुशी से बिता भी सकते हो। मैं तुम्हें वादा देता हूँ, पर तुम्हें पता होगा कि इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा। मुझे नंदन से बात करना है। तुम्हारी जैसी लड़की को ऐसे सिचुएशन में डर शोभा नहीं देता। जस्ट बी प्रैक्टिकल। क्या आपको समझ में नहीं आ रहा है? मुझे नंदन से बात करना है। मैं जानना चाहती हूँ अगर वो जिंदा है कि नहीं। ओके, मुझे समझ में आ रहा है। अगले 5 मिनट के अंदर नंदन तुम्हें कॉल करेगा। और इस बार अपने तरीके से कोई गेम खेलने की कोशिश मत करना। इस वीडियो का एक और कॉपी बनाना और मीडिया में देना। अगर तुम्हें नंदन नहीं चाहिए तो फिर ऐसे चीजें करने की कोशिश कर सकती है। मुझे पता है कि तुम ऐसी बेवकूफी कभी नहीं करोगे, क्योंकि मुझे पता है कि तुम उससे कितना प्यार करते हो। उस शाजी को कॉल करके बोल दो। और तुम्हें पता है कि उसके साथ क्या करना है ना? अगर ये उनका ट्रैप है तो वो मुझे ऐसे ट्रेस कर सकता है। चलो हमें जल्दी जाना है। आप गाड़ी स्टार्ट कीजिए। ठीक है, तू साहब का फोन उठाओ। ये तुम्हारा बीवी है क्या? बहुत खूबसूरत लग रही है। अनु को क्या हुआ? किधर है वो? आप ही पूछ के जान लो। नंदन, गाड़ी रोको भैया। नंदन, अनु कहाँ हो? नंदन, मुझे अभी मिलना है। मैं ठीक हूँ अनु, वहाँ क्या हो रहा है? ये लोग कौन है? अभी कुछ नहीं कर सकते नंदन, सभी उनके साइड पर है। अनु, तुम सेफ हो ना? बताओ। गुंडे लोग, पुलिस, सभी मेरा पीछा कर रहा है। मुझे क्या करना है नंदन? अनु, चलाओ, इसके बाद मैं ही बात करूंगा। नंदन, इसको बांधो। चुप रहे। नंदन, साहब को कुछ नहीं हुआ मैडम। मिनिस्टर जो पूछ रहे ना, वो चीज मैडम जाके अपना हाथ से सेंट जोसेफ चर्च में जाके हमार आदमी से मिलो। ब्लैक पल्सर में एक आदमी उधर आएगा। लैपटॉप उनका हाथ में दे दो। लैपटॉप मिलने का तुरंत आपका सार आपके घर में पहुंच जाएगा। नो, मैं ये नहीं कर सकती। मैडम को हम जो बोल रही समझ में नहीं आया क्या? जो बात बोलेगा उसी पे हम खड़ा होंगे, ठीक है? सेंट जोसेफ चर्च। हेलो, हेलो, क्या हुआ? नंदन कहाँ है? मुझे पता नहीं है। सेंट जोसेफ चर्च जाना है अभी, आधे घंटे में। हम उधर जाएगा तो नंदन को मीट करेगा? मुझे पता नहीं है, उनका लोग वहाँ आएंगे और मुझे ये देना पड़ेगा। ये हम रखना? तो बाकी सब लोगों का जिंदगी क्या हुआ? मुझे नंदन चाहिए, मुझे वो चाहिए। Huh?
हम जाएंगे, आधा घंटा में पहुंचे तो ठीक है ना? मेरे आज कोचिन आने का और कोई दूसरा मकसद नहीं है, मेरे थोड़े फंक्शंस थे जो मुझे अटेंड करना था। आप क्या कल चीफ मिनिस्टर से मिल रहे हैं? और आज रात वापस तिरुवनंतपुरम चला जाऊंगा। रिजाइन कर दिया क्या? ये तो सिर्फ मीडिया वालों ने बोला है, उससे आप कुछ भी समझ सकते हो। सर वो केस महीना दोनों आदमी को, नंदन और अनुराधा को कस्टडी में लिया क्या? नहीं, अभी तो दोनों मिसिंग है और पुलिस इन दोनों की खोज भी कर रही है और जल्द से जल्द उनका अरेस्ट भी हो जाएगा। हैंडओवर करने के बाद भी वो लोग हमें नहीं छोड़ेंगे। देखो सुधीर के साथ क्या हो गया। मुझे बाथरूम जाना है। ए, जाके देखो। मुझे थोड़ा पानी चाहिए। पहले बाथरूम जाना है क्या, पानी पीना है क्या, वो तो बताओ ना। साहब टेंशन मत हो ना, आधा घंटे में मैडम आ जाएगी, मिलने के लिए हमारा लड़का जा रहा है। नंदन का नंबर है। अनु, अनु वहाँ पे मत रुकना, वहाँ बहुत डेंजर है, चले जाओ, मेरे बारे में मत सोचना। नंदन, अनु तुम सुन रहे हो क्या? छोड़ रहे अनु, अनु नंदन वो न्यूज टेलीकास्ट करना चाहिए। नंदन डू इट, मैं कह रहा हूँ ना। क्या हो रहा है? अनु उसको टेलीकास्ट कर, डू इट अनु प्लीज, अनु डू इट। ऐसे छोड़ रहे, छोड़ो मुझे अनु, डू इट। चार को जो बोला नहीं सुनाई दिया है क्या? अगर मेरी किस्मत में ऐसा लिखा है तो, लेकिन तुम लोग नहीं बचोगे। अनु को आप लोग नहीं पकड़ोगे, वो दिल्ली चली गई, जो भी उसके पास है जहां भी लेके जाना है वहां लेके गई है। आप लोग कभी नहीं बचोगे, कभी नहीं बचोगे। हमें जाना चाहिए। अभी कौन आपके साथ बात किया नंदन? मैं बता दूंगी, हमें अभी जल्दी जाना है। और ये क्या करेगा? डोंट कंफ्यूज मी प्लीज, हमें निकलना है। भैया क्या हुआ? इधर तो कोई भी नहीं दिख रहे, अब क्या करना है बोलो। कुछ भी होने दो, वापस मत आना, गाड़ी स्टेशन में रखे तू आ जा, गाड़ी के बारे में चिंता मत कर, इधर कुछ होने वाला है। सोचो मत, हम आ जाएंगे ना। दिल्ली में वो लोग यही बता रहे थे, ये सब होने का पॉसिबिलिटी नहीं है, एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन पूरा हमारे कब्जे में है। ये सब उस एडवोकेट की वजह से, इसका मतलब ये है कि वो अभी भी कोचिन में है। नमस्ते साहब। ओ अच्छा, कैसे हो आप, बहुत दिन हो गए। लास्ट टाइम एप्लीकेशन के बारे में आप बोल दिया ना साहब, वो तो लेके आया, थोड़ा देखो ना। ओ अच्छा, वो केस देखता हूँ एक और हफ्ते। ठीक है साहब, ठीक है, धन्यवाद। तो चले। स्वामी हाँ।
उस चैनल के ऑफिस के अंदर किसी को भी घुसने मत देना। सिटी पुलिस को 24 घंटे उसके पीछे ही लगा देना। हमने सभी लूपहोल्स बंद किया है, सही है ना? ठीक है, हम जाके देखेंगे। ओके। कम फास्ट, मूव दिस साइड, मूव, कम दिस साइड। कोई हमारा बिना परमिशन के अंदर नहीं जाना, ठीक है? बात क्या है रुबे, पुलिस लोग ऐसा गड़बड़ कर रहे हैं? पता नहीं सर, हमें तो बताया नहीं गया। हाँ, वो बात है क्या? अनु, कहाँ से बात कर रहे हैं? वेयर आर यू? ये सब एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं है एलेक्स, दिस इज रियल इम्पोर्टेंट। आई हैव अ हॉट न्यूज, इस मर्डर में हमें ट्रैप किया गया है, प्लीज बिलीव मी। रिलैक्स रिलैक्स, वो न्यूज बताना। मैं एक्सप्लेन करूंगी, हमें जल्दी मिलना है एलेक्स। लेकिन पुलिस लोग इधर है, कुछ बॉम्ब ब्लास्ट के बारे में बात कर रहे। तो पुलिस का टारगेट तुम ही है क्या? यू डू वन थिंग, जो वीडियो क्लिप है ना हमको मेल करो ना, ऐसा कॉन्फिडेंशियल मैटर मैं संभालूंगा। वैसा भी बोर्ड मीटिंग के लिए चेयरमैन भी आ रहे। ठीक है, मैं भेजती हूँ। लेकिन एलेक्स, ये अभी के अभी, इट शुड गो ऑन एयर, वेस्ट करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। आई प्रॉमिस आई विल डू इट। हैव यू सेंडिंग? यस। वो कौन है? वो मेरा सीनियर प्रोड्यूसर है एलेक्स कोशी, बोल रहा था कि ऑफिस में पूरा पुलिस आ गया है। मुझे वो वीडियो अभी सेंड करना है। अभी एलेक्स वो आया करेगा। ये होने के बाद एक आदमी भी जिंदा नहीं बचेगा, सब मर जाएंगे। ये देखने में साधारण एक्सीडेंट जैसे ही दिखेंगे, किसी को एक शब्द भी नहीं डाउट आएंगे। हेलो हेलो एलेक्स, हेलो एलेक्स, मिल गया क्या? आई एम सॉरी अनु, वी कांट डू इट, मैं तो मजबूरी हूँ, ये काम नहीं कर सकता हूँ। नो डोंट एलेक्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड। सॉरी। हेलो हेलो एलेक्स, एलेक्स ने बताया कि वो टेलीकास्ट नहीं कर सकते। फोन अभी नॉट रीचेबल में है। शायद आप चैनल से दूसरे आदमी को कांटेक्ट कीजिए। नहीं, एलेक्स नहीं है तो कोई और ये नहीं कर सकते। अगर आप ये वीडियो दूसरा चैनल को भी आप दे सकता है ना? इट्स नॉट प्रैक्टिकल, उन लोगों को कन्विंस करने में से बहुत टाइम हो जाएगा। हेलो तंगमा, मदद करने वाले है ना तू, ऐसे सता रहे हो? हम लोग क्या गलत किया है तुमसे? अगर आप कोई भी यहाँ आया है तो मार डालूंगी मैं। सच वो नहीं है तंगमा, मेरा बात सुनो, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है तंगमा, तुम लोग वहाँ से शिफ्ट करना चाहिए। हेलो हेलो, क्या हुआ? सनी गुरुद्वार पैसेंजर में आ रहा है ना, एक आदमी को भेजो, 10 मिनट के अंदर गाड़ी आ जाएगी। ये वही है ना? कम ऑन,
अरे डीजल खत्म हो गया। हे भगवान, अभी क्या करेंगे? अरे आप डीजल टैंक फुल करने के बाद गाड़ी को स्टार्ट करना पड़ेगा ना। ये सब पहले देख लेना चाहिए थे ना, ये सब अभी बात करेंगे क्या आप लोग? तब तो दूसरा गाड़ी देख लेना चाहिए थे ना आप लोग। अरे भाई आप ज्यादा बात मत कीजिए, हमको गाड़ी उस तरफ पार्क करना है नहीं तो पुलिस पकड़ेगा। आप बैठे, मैं आपको मदद करेगा। हाँ डक्का मार। आइए। और थोड़ा सा। हाँ कम ऑन। हमारा अगला प्लान क्या है? वो रवड़ी बोल रहा तो वो टाइम तो निकल गया है ना। हाँ नहीं है, इधर खड़ा होने से क्या फैसला करेंगे हम? अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है तो मैं उधर जाके ये दे दूंगा। वो बात नहीं, उधर पुलिस वाला हमको। लेकिन उसको मुझे नहीं मालूम है ना, ये मदद में जरूर उसको करना पड़ेगा। लेकिन एलेक्स ने बोला कि आपका एक्चुअल सिचुएशन उसको मालूम नहीं है ना, मैं उसको समझाएगा। नहीं तो एक अच्छा इंसान जरूर हमको उधर मदद करेगा। लेकिन पुलिस को पता हो गया तो तुमको अंदर डालेंगे ना। हमको कोई रास्ता मिलेगा, वो हमको नहीं पकड़ेगा क्योंकि हमारा पास सच है ना। मैं ये विजुअल्स फोन पर ट्रांसफर करूंगी। मेरा नंबर वो लोग ट्रेस कर सकते हैं। आपका सिम दे दो ना, आई पुट इट इन दिस फोन। इसके बारे हम क्यों ऐसा सोच रहे हैं? इसके पास क्या वैसा इम्पोर्टेंट न्यूज है? वो सब हमारा काम नहीं है, जो हमको काम दिया है वही करने से अच्छा है। आप ये सब क्यों कर रहे हो, आपको पता नहीं है क्या? मारंगरा के सारे बेचारे लोग आज मरने वाले हैं। आप लोगों को जिसने ये काम दिया था, थॉमस चाको और डीजीपी, वो दोनों इसके पीछे है। उस हादसे को रोकने के लिए मेरी बीवी अनुराधा कोशिश कर रही है। उसको धमकाने के लिए ही मुझे तुम लोगों ने पकड़ा है। उन बेचारों को मार के हम जीना नहीं चाहते हैं। ये वकील साहब बोल रहे पूरा सच्चा है क्या? इसके पीछे इतना बड़ा काम है क्या? हाँ? वो सब तुमको जरूरत नहीं, हम जो बोले ना, पहले वो काम करो, बाद में सिर्फ पैसे ले लो।
वो क्या बोल रहे? पैसा कितना पूछने से भी देगा करके बोल रहे। वो लोग पैसा दे रहे हैं ना, इसीलिए वो लोग हमको कुत्ता समझ कर रखा है। शिवा साहब को हम भी कॉल करेंगे। किसी को फोन करने का जरूरत नहीं है, रखो फोन। आप गाड़ी के अंदर ही बैठो, हम जाके डीजल लेके आएंगे। ओके। कितना हुआ भाई? 30 रुपए। इधर क्या काम है? सर मैं अविटतोर मंदिर का जनरल सेक्रेटरी हूँ। मैं इधर आया है मंदिर का उत्सव प्रोग्राम पार्टिसिपेट करने के लिए। इसे चेक करो। अंदर क्या है? मेरे घर से। हेलो। कहाँ गए थे आप? मैंने ऑफिस फोन किया पर आप नहीं थे। टेंपल कमेटी के लोग काफी बार आपको फोन कर चुके हैं। एक काम लिया है हाथ में तो कम से कम पूरा तो करो। मैं सुबह से आपके फोन लगाने की कोशिश कर रही हूँ। अभी कहाँ से आए आपके फोन में चार्ज? चैनल का प्रोग्राम अभी स्टार्ट कर रहा है, हम बाद में बात करेगा। मैं जरूर शाम को उधर पहुँचेगा ना। क्या बात कर रहे हैं आप? कौन सा चैनल? दिमाग सटक गया है क्या आपका? एक्चुअली हमारा प्रोग्राम स्टार्ट करेगा रात को 8:30 बजे। सबको इन्फॉर्म करो। आप बस घर पहुंच जाइए, बाकी मैं देख लूंगी। हाँ, जब आ रहे होंगे तो चाय की पत्ती खरीदना। या हमको याद है, चाय पाउडर आज मैं जरूर लेके आएगा। ओके। मेरा बीवी शाम को वापस जा रहे ना, तो टी पाउडर लेके जाना है। हमको याद करने के लिए कॉल किया। इधर अच्छा चाय पाउडर मिलेगा ना? इसको क्या करें सर? छोड़ दो। शुक्रिया। मैडम हमको एलेक्स कौशिक को थोड़ा मीट करना है। किस बारे में बात करनी है? ये मेरा एक पर्सनल मैटर है, मैं उसको इन्फॉर्म किया, मैं आएगा। सीधा जाइए, पहला लेफ्ट ले लीजिए, एलेक्स सर का कैबिन है वो। थैंक यू। नहीं सर, उसके पास बात करने के लिए जरूरत नहीं, हमको पूरा याद है। हमको इधर ज्वाइन करने वाला आदमी भी थॉमस आ रहे। नहीं सर वैसा कुछ भी नहीं चल रहे, मैं सच्ची बोल रहे। अनु को जो ऑप्शन भी नहीं। साहब हम दो जने जरूर मिलेंगे साहब। कौन है?
आपका चेयरमैन इधर है क्या? जी हाँ, बोर्ड मीटिंग चल रहा है। हमको इस वक्त अभी उसको मीट करना है। सॉरी, डायरेक्टर्स के अलावा बाकी सबको वो रूम में एंट्री मना है। प्रायर अपॉइंटमेंट के बगैर चेयरमैन से मिलना बहुत मुश्किल है। लेकिन मेरे लिए ऑप्शन नहीं मैडम, इस वक्त मैं उसको देखना पड़ेगा जरूर। आप लोग क्या तो बोलो, अनुराधा जो कर रही है ना, हम उसे नहीं मान रहा हूं। और एक बात, चैनल का नाम बचाने के लिए उसके खिलाफ हम हमारा चैनल कोई एक्शन नहीं लेने वाला है। लेट अस वेट, सच क्या तो पता नहीं दो। सर माफ कीजिए सर, आपके साथ एक जरूर बात करना है सर, और सिर्फ एक मिनट के लिए सर। सर अभी से 30 मिनट के बाद हजारों लोग यहाँ मरेगा सर, अगर आप मदद करेगा तो उसको कुछ नहीं होगा सर। सर हमको विश्वास कीजिए सर, सर मैं आपको झूठ नहीं बोलेगा सर, प्लीज विश्वास कीजिए सर, सर सर मैं आपको झूठ नहीं बोलेगा सर, सर प्लीज सर, प्लीज सर, सर प्लीज छोड़ने का बोलेगा सर। जस्ट वेट, छोड़ दो उसको। हाँ बोल, क्या बोलने वाला है तू? एक्चुअली फ्यू मिनट जेंटलमैन प्लीज। इधर देखो, क्या बात है? सर मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ सर, लेकिन कल रात से मेरा जिंदगी में मालूम नहीं क्या क्या हो रहा है सर, ऐसा पहला नहीं हुआ सर। सर आपका स्टाफ अनदर काम कर रहे हैं अनुराधा नंदन, मैं उसको मीट किया है सर, ये कून वो नहीं किया है सर। सर उसको एक पॉलिटिशियन ट्रैप किया है सर, क्योंकि उसके पास एक बहुत बड़ा एविडेंस है और पुलिस बाहर वेट कर रहे हैं यही एविडेंस के लिए सर। उसका सबूत क्या है? ये एविडेंस अनुराधा हमको दिया था सर, और हमको बोला था यहाँ का मोस्ट ओबीडियंट और सिंसियर ऑफिसर को ये देना है, और मैं इधर आया था और हमको मालूम हो गया वो भी पॉलिटिशियन को मदद कर रहे हैं सर। हमको मालूम नहीं आप भी ये ग्रुप के साथ है, मैं आपका पिक्चर देखा है सर, लेकिन पर्सनली मालूम नहीं है सर। आप मुझे विश्वास कर सकते हैं? बोलो। अनुराधा काश्यप नंदन मेनन शायद अभी मर जाएगा, और वो आदमियों अनुराधा को भी मार डालेगा सर। उसका लाइफ सेव करने के लिए अपॉर्चुनिटी मिला, लेकिन वो सोचा था कि हमारा आदमी का जिंदगी सेव करना है। शायद इस कलयुग में ऐसा हस्बैंड वाइफ कोई नहीं होगा सर, उसका त्याग के लिए अर्थ चाहिए सर। अभी 30 मिनट के बाद इसमें मेंशन किया ना वो फ्लाइट, वो वहां से स्टार्ट करेगा सर, उसके बाद हम भी हेल्प नहीं करेगा, सच्चाई बाहर आना पड़ेगा। आप वो पैसेंजर्स के बारे में मत सोचिए, लेकिन अभी आपके एक कर्तव्य है सर, आप वो कीजिए सर। Give it to me. आपका चेयरमैन को मीट किया और उसके साथ बात किया, वो अभी टेलीकास्ट करेगा। नंदन आपका सिचुएशन का बारे में अभी चेयरमैन को मालूम हो गया ना, इसलिए आपका कोलीग्स अभी आया है, आप इनके साथ जाइए। चलो अनु। ईश्वरा, बोलो अभी क्या करना है? आपको प्रॉब्लम नहीं है तो मेरे घर में छोड़िए।
अरे भाई वो लैपटॉप इधर भूल गया। अनुराधा नंदन और उनके पति एडवोकेट नंदन को गुनेगार माना गया है और वो भी होम मिनिस्टर की वजह से। अब सबको पता लग गया है कि ये बहुत बड़ी साजिश थी। इस केस में मुख्य आधारित डीजीपी को सस्पेंड किया गया है। ये जानकर सब लोग बहुत रोषाकुल हैं। सब लोग ये न्यूज सुनने के बाद बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गया है। लेकिन इधर का मंत्री ये बम विस्फोट होने के बाद मंत्री जॉर्ज थॉमस को मंत्रिमंडल से निकाल दिया गया। उसे किसी समय भी गिरफ्तार, शायद उसको दोस्त को कांटेक्ट करने देना पड़ेगा। अरे नंदन का मैसेज, गुरुवायूर पैसेंजर 10 मिनट आलवे स्टेशन टाइल फैक्ट्री। गुरुवायूर पैसेंजर आलवे स्टेशन पहुंचने के लिए 10 मिनट होगा, टाइल फैक्ट्री। क्या बोल रहे? थोड़ी देर से पहले नंदन ने ये मैसेज भेज दिया। इसका अर्थ है नंदन अभी तक जिंदा है, शायद वो आदमी उसको कुछ नहीं किया है। तो वो क्या बोल रहे है? आलवा स्टेशन से 10 मिनट दूर तक एक टाइल फैक्ट्री में नंदन जरूर होगा। वही डायरेक्शन पे हलवा स्टेशन पे 4:10 केरला एक्सप्रेस स्टार्ट करेगा। अभी 8 मिनट बाकी है, ये 8 मिनट में आप हमको हलवा स्टेशन ड्रॉप कर सकता है क्या? वो आके आप अकेले जाके क्या करेंगे उधर? अरे एक अच्छा इंसान को जरूर मदद करना पड़ेगा। आप गाड़ी थोड़ा स्पीड इंक्रीज कीजिए ना। सिर्फ मेरे लिए आपको बहुत मुश्किल हो गया ना, आपको जरूर इससे ज्यादा देना पड़ेगा। फिर भी ये सब देख के मुझे अपमान मत करना। एक इंसान होने के नाते हम भी कुछ ना कुछ करना है, वो तुम हमको बता दिया, बस खुश हो गया। ठीक है ना? हाँ ट्रेन जाने वाले, जाओ। लेकिन मैं, हाँ जल्दी जाओ। ईश्वरा, एरिया ग्रुप के प्राइवेट जेट को उसमें रखे गए लिकर के बॉटल्स भी पुलिस ने कन्फिस्केट किया है। अगर आपके पास एडवोकेट नंदन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन है तो हमें बता दे दो। भैया शिवा साहब को पुलिस वालों ने कस्टडी में लिया, कभी भी पुलिस इधर आ सकते। ये पूरे काम ये आदमी ने किया, इसे हम मत छोड़ना है। मार दो मुझे, अगर उसके बाद आपके सारे समस्याएं और इस जगह के सारे समस्याएं सब खत्म हुआ तो मार दो मुझे।
ये तू क्या किया? चेन किस लिए खींचा है? किधर जा रहा है? पागल हो गए क्या? अरे दोस्तों, वो टाइल फैक्ट्री के अंदर एडवोकेट नंदन मेनन होगा। आज हजारों लोगों का जिंदगी सेव हुआ ना, उसका कारण नंदन मेनन है, लेकिन उसका लाइफ अभी डेंजर पे है। दोस्तों हमारा साथ अभी आप आएगा तो उसका लाइफ हम सेव करेगा। वो आपका कौन है? आपको दिमाग है क्या? नहीं चलते से गाड़ी को स्टॉप कर को ऐसा बात कर रहे? तुमको काम नहीं तो ऐसा काम करो ना। वो तो मेरा कोई नहीं है, फिर भी हमको कुछ करना पड़ेगा। देखिए आपका थोड़ा सा टाइम हमको दीजिए ना, उधर पूरा गुंडास होगा, अकेला मैनेज करना मुश्किल होगा। शायद आपको भी मुश्किल होगा, लेकिन हम पूरा आदमी उधर जाएगा तो जरूर उसको मदद करेगा। अरे आप रेलवे पुलिस को बुलाइए ना, पता नहीं ये कब सुधरेंगे। आदमी किधर है? मतलब वो लोग मुझे मारे नहीं, उससे कोई फायदा नहीं है ना? नंदन, नंदन, एक्सैक्ट टाइम हॉस्पिटल लेके आया, उसके लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं है अभी। डॉक्टर भी अभी बोला था वो आउट ऑफ डेंजर है। हाँ, हमें माफ करना अनुराधा। वो आदमी, वो कहाँ गए? लो, वो आ गया है। कहाँ गए थे आप इतनी देर? फोन पे क्या बात कर रहे थे आप? चैनल 8:30 प्रोग्राम। मंदिर का उत्सव कैसा था? उत्सव बड़े अच्छे तरीके से गया। आप अगर नहीं है तो कोई गड़बड़ नहीं होगा, समझ गए आप? अरे बाबा, चाय पत्ती भूल गए आप? अरे आज भी मैं भूल गया। बस आपसे बोल के तो कोई फायदा नहीं, और चाय नहीं मिलेगा, सुने आप? मारंगरा गांव में होने वाली एक बहुत बड़ी दुर्घटना को एडवोकेट नंदन और उनकी बीवी अनुराधा नंदन ने कैसे भी रोका है। अभी वो दोनों लिटिल फ्लावर हॉस्पिटल से हमारे साथ लाइव हैं। वेलकम मिस्टर एंड मिसेस नंदन। नमस्ते। हमने आज तक सिर्फ मूवी के हीरोज को करेजियस देखा है, पर आप एक मामूली सा इंसान होते भी इतने बड़े चीज आप कैसे कर पाए? आप ही हमारे असली हीरो हैं। आपके अंदर कहां से इतना गट्स आया और कैसे कर पाए? मेरा कर्तव्य है या धीरज है मुझे पता नहीं। मैं और मेरी जिंदगी सबसे कीमती है करके सोचने वाले मरने से डरते हैं।
इस जिंदगी में जो भी मैंने सीखा है मुझे ऐसा सोचने में मजबूर किया होगा। मारंगरा के लोगों को मैं जानता हूं, उन सारे लोगों का मृत्यु मेरी आंखों के सामने थे। वो हादसा भयंकर था, वो अगर सच हुआ तो, और उसको देखने के लिए मैं जीवित हूं, मेरी जिंदगी का कोई मतलब नहीं होगा। सच में शुक्रिया अदा करना है कुछ अच्छे लोगों को। इसकी मदद एक कार ड्राइवर ने की थी, कुछ गुंडों ने मुझे बिना मार के छोड़ दिया, और सबसे ऊपर है हम दो अजनबियों का मदद करने के लिए शुरुआत से अंत तक हमारे साथ थे। वो आदमी हमारे लिए ईश्वर के समान है। जब उन्होंने देखा मुझ पे अटैक होते हुए, तब से लेके मुझे हॉस्पिटल लेके आने तक वो मेरे साथ ही थे। कौन है वो? हमें भी उनसे मिलना है। पता नहीं, कहीं से भी आए वो, हमारे शुक्रिया अदा के लिए भी इंतजार नहीं किया, वो कहीं और चले गए। शायद उनको अपनी दुनिया में वापस जाने का था। ईश्वर का सहारा हमेशा हमारा साथ होता है, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। नहीं तो हमारी जिंदगी का एक निर्णायक दिवस में बिल्कुल एक अजनबी की तरह वो हमारे पास आए। दूसरों को कभी एक्सीडेंट हुआ तो हम में से बहुत लोग उसको मदद किए बिना चले जाते हैं। क्यों इसके पीछे जाना है करके हम सब सोचते हैं उस टाइम पे। अगर ऐसा नहीं सोचेंगे तो किसी एक की जिंदगी नहीं तो बहुत लोगों की जिंदगी बदल सकते हैं। उसके लिए हम कारण होंगे। उसके लिए ताकत और धीरज नहीं चाहिए, एक दृढ़ता का मन चाहिए। आज उन्होंने ये बात प्रूव किया। अभी जो मैं बात कर रहा हूँ, अगर कहीं से भी आप सुन रहे हो तो मुझे आपसे कहना है, मेरे प्रिय मित्र, जिंदगी में कभी भी हम आपको भूलेंगे नहीं। हमारे दुआ में आप हमेशा साथ होंगे। हृदय के भाषा में हम आपकी शुक्रिया अदा करते हैं, कृपया करके स्वीकार कीजिए। शुक्रिया, लाख लाख शुक्रिया। हे माता भगवती, थॉमस के ऊपर मर्डर केस डाल दिया। ये क्या है भाई, 5 साल के बाद ये आदमी एमपी हो जाएंगे। अच्छा, कल के इंसिडेंट में वो बंदा कौन था? नंदन मेनन को हॉस्पिटल एडमिट करने के बाद वो गायब कैसे हुआ? आप दोनों को कुछ काम नहीं है क्या? ये पत्रिका लगा उनका सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए वो कुछ ना कुछ लिखता ही रहेंगे, वो सुपरमैन करके। देखो ब्रिज आ गया, सत्या सो गया। अरे आप दो राउंड खेलो ना, मैं ज्वाइन करेगा। वर्गीस, आपका हाथ कैसा है?